नमस्कार, आज मार्च मास 17 तारीख गुरुवार। आज संध्यार मुख्य खबर। नंबर वन, राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जगु छात्र छात्री विद्यालय को जीवा आसिबारे समस्या हबारु एने राज्य विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु एप्रिल 21 तारीख ठारु राज्यर समस्त विद्यालय सका 7-10 पर्यंत खोलिबापाई सरकारंको प्रस्ताव दिया जायतिबा जणापडिछि। सरकारी भाबे एने कोनोसे घोषणा करा जाय नथिले मध्य खूब शीघ्र परिवर्तित समय सम्बन्धरे घोषणा होई पारे। आज मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्रंको अध्यक्षतारे ग्रीष्म प्रभावकु नै एक समीक्षा बैठक हबो। एतिरे स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर, विद्यालय गणशिक्षा विभाग मंत्री एवं अन्य विभागर अधिकारी माने जोग देबे। नंबर 2, पीएम किसान योजना रे देशर चाषी को मोदी सरकार प्रतिवर्ष 6000 टंका दे थांती। वर्तमान 11 किस्ती एप्रिल रे जारी करा जीवा बोली विशेष सूत्र रो जणा पड़ी। हेले सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नियम रे किछि बड़ परिवर्तन करिसंती। पीएम किसान रे रजिस्ट्रेशन रे होतिबा जालियाती को रोकिबा पई एबे सरकार लाभार्थी को रेशन कार्ड जोड़िबा पई बाध्यतामूलक करिसंती। नुआ नियम अनुसार राशन कार्ड रो नंबर आसीबा परे स्वामी स्त्री किंबा परिवार कौनसी जन सदस्य को पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाभ मिल पार। तेणुक नुआ पंजीकरण करने द्वारा राशन कार्ड नंबर दबा बाध्यतामूलक एवं राशन कार्ड रो गोटे कॉपी को अपलोड करने को पड़ो। तापर जाए आपण को 11 किस्ती पीएम किसान योजना 2000 टंका आपण बैंक अकाउंट को आसीब। नंबर 3, रेलवे खाली पड़ी 298,428 पद, निजुक्ति उपरे रोक नाई, रेलवे को घरेकरण प्रश्न उठुनी। रेलवे मंत्री भारतीय रेलवे रे मोट 298,428 पद खाली पड़ी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बुधवार यही सूचना देछंती। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिछंती भारतीय रेलवे रे खाली पड़ीथिबा मोट पद संख्या होउछि 298,428। पदरे भर्ती पाए उद्यम जारी रही। केंद्रीय रेलवे मंत्री बुधवार स्पष्ट करिसंती जे रेलवे रे घरेकरण रो कोनोसी प्रश्न उठुना। यह सब विषय होता समस्त चर्चा काल्पनिक अटे। सरकार रेलवे रो विकास पाए एवं अधिक लोकाभिमुखी दिगरे उद्यम करुछंती एवं रेलवे भर्ती को नहीं छात्रों मध्य थिबा भूल धारणा को रेलवे सहानुभूति ढंग से समाधान करनेछंती। निजुक्ति उपरे कोनसी रोक नहीं 1.14 लाख ग्रुप डी एवं एनटीपीसी पद को नहीं भर्ती करिवा पाए प्रक्रिया जारी रही बोली रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना देछंती। नंबर 4, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ग्रेजुएट मानक पाई ग्रुप बी पोस्ट इनिशियल अपॉइंटमेंट पदरे नियुक्ति पाई विज्ञप्ति जारी करिसंती। विज्ञप्ति अनुजाई समुदाय 233 पदवीरे नियुक्ति हेबो। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नियुक्ति 2022 रे कोऑपरेटिव सर्विस इन्स्पेक्टर, ऑडिटर एवं टेक्सटाइल इन्स्पेक्टर पद पाई नियुक्ति रही। इन्स्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पाए 127 पदवी रही एवं ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पाए 71 पदवी, इन्स्पेक्टर ऑफ टेक्सटाइल पाए 28 पदवी, ऑडिटर पाए 60 पदवी रही। यार ऑनलाइन आवेदन तारीख 12 मार्च रो आरंभ हो 22 एप्रिल रे शेष हेब। नंबर 5, एप्रिल 28 रो ऑफलाइन मोड रे हेब युक्त 2 परीक्षा। आसंता एप्रिल 28 रो ऑफलाइन मोड रे आरंभ हेब प्लस 2 बोर्ड परीक्षा। स्कूल रे परीक्षा देबे छात्र छात्री कला वाणिज्य विज्ञान धंदामूलक विषय रे। राज्य रे मोट 3,20,000 पिला चलित वर्ष 12 बोर्ड परीक्षा देबे। खरा को दृष्टि रखि दैनिक गोटे सिटिंग रे परीक्षा करबा को निष्पत्ति निया जाईछि। नंबर 6, ओडिसा रे सोना खणि केन्द्रजर जिल्ला रे गोटे सोना खणि चिन्हट होईछि। ओडिशा रे 220 खणि खनन पाए चिन्हट होईछि। पर्याक्रमे आसंता 7-8 वर्ष मध्यरे एसब खणि निलाम करा जिवो। एथिरु नुआ खणि प्राय 80 थिबा बेले 120 खणि लीज बातिल हेबा सह अन्य कारण रो बंद होई पड़ीछि। राज्यसभा सांसद प्रशांत नंदंक एक प्रश्नर उत्तर रे केन्द्र खणि मंत्री प्रहलाद जोशी एभळि तथ्य रखिछंती। 220 खणि मध्यरो प्राय 80 खणि रे लुहा पथर, मांगानेज और बक्साइट रही।
केन्दुझर जिले में गोटे सुनाखड़ी चिन्हट होता बेले 8 कोईला खणी एवं 17 डेकोरेटिव स्टोन खणी भी चिन्हट हो। नंबर 7 ओडिशा डांस एकेडमी भुवनेश्वर और पर्यटन विभाग पक्षर आर्ट विजन सहयोग में धौली पहाड़ पादश में प्रत वर्ष फेब्रुआरी मासरे अनुष्ठित होता विश्व प्रसिद्ध धौली कलिंग महोत्सव चलित बर्ष मार्च मास अनुष्ठित अष्टादश धौली कलिंग महोत्सव आसंता 22 तारीख रु 24 तारीख पर्यंत अनुष्ठित हो। नंबर 8 एप्रिल 4 तारीख रु राज्यर समस्त अधस्तन कोर्ट सकाळवा हेब सकाळ 7टा रु दिन 1टा पर्यंत चलिब कोर्ट कार्य तेबे विभिन्न मामलार शुणाणी सकाळ 7:30 रु 12:30 पर्यंत हेब कोर्ट कार्य बेले अधघंटाए अर्थात दिन 10टा रु 10:30 पर्यंत विरति रहिब। नंबर 9 2020 फेब्रुआरी 12 9 जनिया सांसद टीम ओडिशा रे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजन व्यापक अनियमितता नहीं 6 दिग उपर अभियोग आनी अभियोग अनुसार गोटे परिवार एकाधिक सदस्य को आवास योजन घर आवंटन फने क्षतिग्रस्त अंचल अयोग्य हिताधिकार घर जोगाण केन्द्र सरकार का बिना अनुमति प्रधानमंत्री आवास विजु पक्का घर लोक को मिलित भाव लगवा प्रधानमंत्री आवास योजनार अनियमितार तदंत 2021 फेब्रुआरी 9-11 तारीख रे और 2022 मार्च 2-4 तारीख रे द्वितीय थर आसीथिबा केंद्रीय टीम राज्य सरकार एभली आभिमुख्य आवास योजनार अनियमितता रोकवा दिगरे पदक्षेप नहीं तीव्र असंतोष व्यक्त करिछंती। फ्रेंड्स ए थिला आजर लेटेस्ट न्यूज आगो को एमिति लेटेस्ट न्यूज पाइबा पई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।